और वही मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने को सही ठहराया। मदरसे में दी जा रही धार्मिक शिक्षा को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संविधान सम्मत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अपने आदेश में कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। दरअसल इसी साल 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने के आदेश दिए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इस पर अब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का 16,000 से ज्यादा मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख के लगभग बच्चों पर असर पड़ेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्तेवाला और मनोज मिश्रा के बेंच ने अपने फैसले में मदरसा एक्ट को संवैधानिक बताया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट ने यह मानने में गलती की कि यदि ये कानून धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है तो इसे रद्द कर दिया जाए। सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। मदरसा अधिनियम का उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। बता दें कि साल 2004 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए यह कानून राज्य सरकार ने पास किया था।